हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मेरा ऑरेंज सदाबहार है और इसकी कंडीशन देख रहे हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी, इस तरह की कंडीशन होने लगे आपके प्लांट की तो आप क्या करो। देखो, ये ब्रांच बिल्कुल बेकार हो गई, ये ब्रांच बेकार हो गई है, ये वाली बस ये ब्रांच अच्छी बची है, बाकी सभी खराब हो गई। तो हम इसे पहले तो इन्हें कट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ तक इसकी ब्रांचें खराब होने लगी तो यहाँ से हम कट कर देंगे और इधर ये यहाँ तक। तो जो भी ब्रांच खराब होने लगी है उन्हें आप कट कर दो, है ना, इस तरह से, क्योंकि इनमें पत्तियों में पानी ज़्यादा पड़ता है तो फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ये बड़े बड़े प्लांट्स के बीच में रखा था तब तक ठीक था, क्योंकि डायरेक्ट इस पर पानी नहीं पड़ रहा था, बट अब इसमें डायरेक्ट पानी पड़ने लगा। तो सबसे पहले तो ये काम करना ज़रूरी है, और इसमें पानी अब नहीं डालना है। अब पानी हम तो नहीं डालते हैं, मगर बारिश कहाँ रोक पाएंगे। बारिश तो आई जाती है तो पानी हो ही जाता है, तो क्या कर सकते हैं। इसे या तो कवर्ड कर लें, या तो ऐसी जगह रखें जहाँ पानी ना पड़े। तो ऐसी जगह मेरे पास है नहीं, अडेनियम भी मुझे बहुत मुश्किल से रख मिल रहे हैं, उनके लिए भी हाय हाय मची हुई है कि ये कहाँ रख दिए कहाँ रख दिए। तो अब मैं इन्हें नहीं उठा सकती, पर हाँ इसमें पॉलीथीन लगा सकती हूँ इसके चारों तरफ, जिससे कि पानी ना पड़े। तो अभी तो बारिश नहीं हो रही है, बट हाँ अगर बारिश हुई तो मैं इसमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करूँगी। तो अगर पानी रुक रहा है तो इस तरह का इंतज़ाम कर लीजिए। पानी तो मेरा इसमें नहीं रुक रहा है बिल्कुल भी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब इस ब्रांच से हम सोचते हैं कुछ अच्छी ब्रांचेस निकाल दें, है ना। तो अब ये एक ये कट कर ले रहे हैं हम इस तरह से, एक ये कट कर ले रहे हैं और ये यहाँ से कट कर ले रहे हैं। इसमें सीड पॉट भी बने लगे थे, मगर वो रेडी होने से पहले इसकी प्लांट के ख़राब हो गया। तो क्या कर सकते हैं अब इसे, तो इसकी इन पत्तियों को नीचे की हम निकाल देते हैं इस तरह से, इनके सीड पॉट को भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये सीड फिर बनेंगे तो नहीं, मगर फिर भी इसकी एनर्जी प्लांट की सारी इसी में लग जाएगी। तो अब हम इसे सीधे लगा देंगे मिट्टी में, और ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ इसे धूप डायरेक्ट ना लगे। तो ये मेरा गमला है, इसमें हम ऐसी जगह रखेंगे जिसकी वजह से इसे धूप नहीं मिलेगी यहाँ पे। ये देखो, इसके बालसम का प्लांट है, इसमें मैंने कुछ और कटिंग भी लगा दी है, हिबिस्किस वगैरह की। तो इस तरह से हम ऐसे मिट्टी में लगा देंगे इसे। कुछ और भी ये कटिंग है, तो ये हमारे नए प्लांट कुछ रेडी हो जाएंगे, तो गम नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा इतना कि हाय हमारे पास ये कलर नहीं रहा। मेरे साथ ये हुआ था कि लास्ट टाइम 3 मंथ पहले मैं जब बहुत तेज़ तूफान आया था, ताऊ तो तूफान, तो उस समय उससे पहले मैं प्लांट लेके आई थी, और उस पीरियड में मैं चली गई थी मम्मी के यहाँ, तो वहाँ चली गई थी। तो यहाँ बारिश होती रही बहुत भयंकर, और ध्यान दे नहीं पाई मैं प्लांट पे, यहाँ पर थी भी नहीं, आई भी तो फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, तो इस चक्कर में फिर मैं नहीं ध्यान दे पाई। तो मेरे पास वो कलर रेयर कलर था, जल्दी मिलता भी नहीं है, तो वो मेरे पास नहीं रहा, ख़त्म हो गया, बहुत अफसोस हुआ। तो इस तरह के काम कर लो, अगर मुझे मैं होती यहाँ पे तो मैं ये चीज़ ज़रूर कर लेती कि अगर कोई भी ब्रांच ख़राब होने लगी तो उसे कट करके मैं लगा देती, मगर क्या करूँ, मजबूरी थी, मैं थी नहीं, इसीलिए मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती हूँ, कि बारिश में तो और समस्या हो जाती है, गर्मियों में तो चलो पानी ना भी पड़े तो चल जाएगा, मगर बरसातों में दिक्कत हो जाती है। तो कुछ ब्रांचेस इस तरह से हम लगा देंगे, जो हमारी कटिंग ख़राब हो गई थी उनको भी हम लगा ही देंगे। देखिए, इसकी ब्रांच ठीक है, बस ये पत्तियाँ ख़राब हो गई थी, तो इन्हें भी हम लगा देते हैं, देखते हैं शायद में सर्वाइव कर जाए, क्या जाता है हमारा, है ना। तो लगा देंगे इस तरह से हम, और इसे कवर नहीं करेंगे, बस इस तरह से रखेंगे जहाँ इसे धूप कम मिले, तेज़ धूप ना लगे इसे। आजकल धूप भी बहुत निकल रही है, तो बहुत तेज़ निकल रही है, भयंकर वाली। चलो देखते हैं ये सर्वाइव कितने दिनों में कर जाती हैं। वैसे 3 दिन, 3 दिन ही लगते हैं, 3 से 4 दिन ही रूट आने में लगते हैं। देखते हैं इसमें कितने दिन में निकलती हैं। मैंने लगभग सभी लगा दिए हैं। तो सदाबहार में अगर पत्तियां ख़राब होने लगे या ब्रांचेस काली होने लगे, तो आप अपने फटाफट उनकी पत्तियों को कट करके निकाल दो, और उन ब्रांचों को कट कर दो अलग, और उन ब्रांचों से कटिंग तैयार कर लो, प्लांट रेडी हो जाएंगे नए नए आपके पास। तो ये छोटा सा वीडियो मैं इसीलिए लेके आई थी कि हमारे प्लांट सर्वाइव कर जाएं, ना कर पाएं तो उन्हें हम कोई तरीका ऐसे बचे हो जिससे कि हम उन्हें बचा लें। तो इस तरह से हम सारे अपनी इनकी पत्तियां जो ख़राब है वो हम निकाल देंगे, इन्हें कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं और इन्हें सपोर्ट दे दें, तो ये अच्छे से चल जाएगा। मेरे पास एक ये है, एक मेरे नीचे रखा हुआ है, इसी से कटिंग से मैंने बनाया था, वो मेरे नीचे रखा हुआ है, तो
इन्हें कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, सीड से भी तैयार कर सकते हैं। अब सीड पॉट बन रहा था तो वो तो खराब हो गया सीड पॉट, मगर फिर भी एक दो अभी ये बन रहे हैं, देखते हैं अगर ये ब्रांच खराब ना हुई तो ये सीड मिल जाएगा मुझे, तो मैं सीड को कलेक्ट करके रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।